नमस्कार साथियों, आज विश्व आदिवासी दिवस है और वर्ल्ड ट्राइबल डे के इस अवसर पर जा रहे हैं आदिवासियों के बीच, एक मेट्रो सिटी में आदिवासी के बीच जाकर भोजन करना कितना बड़ा बात है आप अपने में समझ सकते हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं एक ऐसे जगह पर जहां आदिवासी खाना परोसा जाता है और उस जगह का भी नाम है ट्राइबल किचन, तमसा ट्राइबल किचन। तो चलिए मेरे साथ, देखते हैं किस लोकेशन में है, उसका सीट बुकिंग किए हैं, देखते हैं मिलता है कि नहीं जगह वहां पर। तो ये कोलकाता का एफिल टावर और अभी एफिल टावर के बगल से गुजर रहे हैं हम लोग, देखिए व्यू। ट्राइबल किचन जा रहे हैं? ट्राइबल किचन हमने बुकिंग है। हाँ बुकिंग है। तो साथियों, फाइनली धमसा ट्राइबल किचन आ चुके हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, इधर पूरा गोल फोर, ये देखिए घास का कटाई हो रहा है। और एक दिन आएंगे, गोल्फ भी खेलेंगे, जिसका आप लोग को वीडियो ज़रूर साझा करेंगे। इधर देखिए ये पूरा एक डोम बना हुआ है जिसमें सिर्फ सोलर प्लेट लगा हुआ है। अब देखिए पूरा सिर्फ सोलर ही सोलर लगा हुआ है इसमें। और इधर हम लोग के पीछे अब यहाँ दिखाइए, ये धमसा किचन जो आप देख रहे हैं, ढोल नुमा आकार, ये धमसा किचन। तो चलिए अब चलते हैं धमसा किचन और दिखाते हैं आपको। ये पूरा गोल्फ कोर्स इधर, पूरा ऊपर ढोल तक।
लग रहा है कि बड़ा सा ढोल ढाक रख दिया है उलट के, और उसके अंदर विंडो बना हुआ है जिसमें बाहर से देखिए एसी का एग्जॉस्ट सिस्टम। चलिए पहले पूरा एक्सप्लोर करते हैं क्या है, उसके बाद खाने बैठेंगे। ये आदिवासी का मूर्ति बना हुआ है यहाँ पर, पूरा ये देखने से एक आदिवासी गांव लग रहा है। पूरा जो पहाड़ी गांव संथाल का गांव रहता है, पूरा उड़ीसा झारखंड जैसे राज्य में, तो बिल्कुल वैसा ही अंदर पूरा देखिए, हर तरफ झोपड़ी घाटी खेत और वैसा ही घर बना हुआ है हर जगह। देखिए वो जो एक डांस होता है सरहुल में, वैसा बना हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर आप डायरेक्ट आके नहीं खा सकते हैं, पहले आपको बुकिंग करना होगा। बुकिंग 20 रुपये का है, 50 रुपये का है। अगर आप एसी में बैठ के खा रहे हैं 50 रुपये, और अगर बाहर ये जो हट देख रहे हैं इसमें खा रहे हैं तो 20 रुपये। तो आप इसको पहले बुक कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा कैसे आपको बुक करना है। तो ये बहुत ही बेहतरीन जगह है। तो साथियों यहाँ जो खाना मिलता है, ये देखिए ये पूरा गार्डन यहीं पे ऑर्गेनिक तरीके से सब्जी उगाया जाता है पूरा। इधर से देखिए वहाँ किसान हल जोत रहा है आगे। ये पूरा सब्जी लगा हुआ है, सब लोग घूम रहे हैं। तो एक बार आप खाने चलते हैं अंदर, तब तक आपको अंदर से दिखाते हैं कैसा दिखता है ये ढोलनुमा स्ट्रक्चर। एक बार खा के निकलते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे क्या यहाँ पर है। देखिए ढोल के बीच में जो काला ऐसा रहता है जिसमें लाठी से या हाथ से वार करने पे आवाज़ करता है, तो वैसा यहाँ भी बना हुआ है। और यहाँ के वेटर का भी आप ड्रेस देखिए, बिल्कुल देसी एकदम खाटी आदिवासी धोती कुर्ता पहन के सर्व कर रहे हैं खाना पीतल के कटोरे। तो अब खाना समाप्त होने के बाद अब निकलते हैं और दिखाते हैं कुछ और आपको नज़ारा यहाँ का। तो साथियों अभी खाना पीना हो गया है, तो देखिए ये पूरा एक आदिवासी का गांव के तरह ही है, पूरा ट्राइबल। यहाँ का नाम भी है ट्राइबल किचन। और आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर, क्योंकि ये महानगर में आदिवासी तो नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ आए इनके साथ सेलिब्रेट करने के लिए। और काफ़ी सस्ता खाना,
मात्र 200 रुपए में एक भरा थाली और 20 रुपए में पानी। तो आप समझ सकते हैं इस बड़े शहर में कितना सस्ता खाना मिलता है यहाँ पर। तो आप लोग आइए, ये इको पार्क के गेट नंबर 1 पे है पीछे तरफ से आने पर, और इसका गूगल मैप का लोकेशन भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप लोग सभी आइए और एंजॉय कीजिए यहाँ का एकदम ऑर्गेनिक खाना। देखिए कितना मस्त जगह है, पूरा ढोल के आकार का बना हुआ है, जो आदिवासी का ढोल रहता है, तो ऊपर से बीच में जो थोड़ा सा काला रहता है उसी तरह का, उसके अंदर हम लोग बैठ के खाए। और बाहर भी ये कॉटेज बना हुआ है, दिखाइए जरा कॉटेज ऊपर। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है ये, आप यहाँ आके 2-3 घंटे स्पेंड कर सकते हैं। तो एक बार फिर आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामना देते हुए आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। इस चैनल झारखंडी ट्रेवलर और अपने भाई संतोष को प्यार देते रहें, इस चैनल को लगातार सब्सक्राइब किए और शेयर करें, ताकि आपका भाई और भी इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए साझा करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।